साइड से कर लो। देखो बड़ी धूप नमस्कार जाचू जहाँ पाकुस्तान मोहिता जाल तेनो नानी ना आता इमा सिंधु घाट का मतलब मार गया गया छे छे ना नियम पो तेरे का तो नानी मार गैस पास ये जस तलो ये कोरोना वायरस से ना मार मी समा मुश्किल ना यो तेरे ना दिन आ मतलब मार गया गया छे छे ना नियम पो तेरे इजिंग में बस कुम्बन निगा ता है जिक्तेल ला सम चे का ता कलोप सालते कलोप समा में सब मो समा जिक्तेल ला मोम शिक जिक्तेल का मार खेल शिक तेरे स्मॉलम ना नियम पो रिंबोचे स्कुम्दू ने तेरे स्कूसे स्टार्ट जुक शिप से तेरे नाता सब में स्मॉलम जुचे ना नियम पो वो नियम पो मास सदे जल नाता ते नोक नाता डॉक्टर शर्मा प्रसाद मुखर्जी स्कुम्दू ने तमजा नाम दिरिंगे नोक सो वो डॉक्टर शर्मा प्रसाद मुखर्जी स्कुम्दू तेरे नाता जगारे ना मा शीतला मा खसपाजी तेरा भारतीय जनता पार्टी दिन घर उल्लेख से ना खोम होने धुकसम ना जिंग आता लास्ट डुबकर ना स्कैन से समय संस्पेरा खर्चन बो आर्टिकल 370 फेंचेस बो खोमे निचे वे मकसद शेषक स्पो इनकम बना दिली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी स्कुंदू ने उठे दिना आर्टिकल 370 थे ने जम्मू कश्मीरी प्रॉब्लम बो पत्ती मेतकान चोसते जगह ना यहाँ पो जुड़ाई चोसा ते नो ते ने गाता है लादाख ला यूटी थोपचे स्पो खोरम ते ने शम्मा पुरस्कार मुखर्जी चिल्ला सोशी का गाता हाँ थोप से नो ते भी कटिना गाता उसको कोशिश जोते नो आज के शुभ दिवस पे मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ His Holiness दलाई लामा जी को उनके 50वीं जन्म दिन पे पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से बधाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए उनके लंबे आयु के लिए और उनके एक सक्षम कार्यकाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब जानते हैं His Holiness दलाई लामा जी केवल तिब्बत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में और विशेष रूप से शांति प्रिय जो लोग शांति चाहते हैं पीस चाहते हैं हार्मनी चाहते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आज 21वीं सेंचुरी के ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हुए एक लॉर्ड बुद्धा के आप लोग की शोरा के एक मैनिफेस्टेशन के रूप में उभारे हुए एक शख्सियत है और साथ ही साथ विशेष रूप से लद्दाख के लिए His Holiness दलाई लामा जी ने आज तक जितना कृपा किया मैं उतना शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा लेकिन हम सबका फर्ज बनता है His Holiness दलाई लामा जी के लंबे आयु के लिए प्रार्थना करने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के आज एक संस्थापक है और साथ ही साथ मैं समझता हूं लद्दाख में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत कम जानकारी है लेकिन आज 71 वर्षों बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी जो हमारे रिनपोचे बाकुला जी ने एक सपना देखा था कांग सेवांग जी ने पूरे अपने जीवन दिया था इसमें और कांग दोर्जे जी ने पूरे जिंदगी इस मकसद के लिए जिन्होंने दिया और उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने यूनियन टेरिटोरी को लेकर एक सपना देखा था और यूनियन टेरिटोरी केवल हम कश्मीर से अलग होने का एक सपना नहीं था बल्कि भारत के साथ अटूट अंग बनने का एक सपना था। लेकिन आज के जन्मदिवस जो है यूटी बनने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम धन्यवाद देते हैं हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने ये कास्ट उठाया तब जाके लद्दाख के सीमा परवीन क्षेत्र को विकास नाम के चीज जो है आज लद्दाख में पहुंचा ये आपके दिन है। आज लद्दाख वाले यूनियन टेरिटोरी लेके चेहरे पे मुस्कान लेके बैठे हैं ये आपके दिन है। आज लद्दाख में इतने बड़े बड़े फंड की बात करते हैं विकास की बात करते हैं ये आपके दिन है। आपके आपने जो पूरे भारतवासियों को एक सपना दिखाया एक मार्ग दिखाया उसको चलते आज हमें यह प्राप्त हुआ।
इसलिए मैं समझता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिवस जो है हर साल हमें मनाना हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं, लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दे के कहा था ये आरएसएस का लीडर है, ये हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, ये झूठ भ्रम लोगों को बेवकूफ बनाना आज इस 21वीं युग में 21वीं सदी में ये नहीं चलने वाले। मेरे आग्रह है लद्दाख के सभी युवा पीढ़ियों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में गूगल से पढ़े, विकिपीडिया से पढ़े, अलग अलग किताबों पढ़े, विदेश वालों ने क्या लिखा, अपने देश वालों ने क्या लिखा पढ़े, तब जाके समझ में आएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, क्या है? और मुझे गर्व है, मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं, सौभाग्य मानता हूं पार्लियामेंट के स्पीच में मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम जिक्र करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज का दिन हमारे लिए दो दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक, हम सभी के परम श्रद्धेय परम पावन दलाई लामा जी का 85th जन्मदिन आज धर्मशाला में मनाया जा रहा है। एक दूसरा महान कारण है आज एक उत्सव मनाने का, वह है हमारे पार्टी का जो पूर्व अवतार रहा भारतीय जनसंघ, एक प्रकार से एक ही विचारधारा के है, भारतीय जनता पार्टी हो और भारतीय जनसंघ हो, विचारधारा एक ही रहा है। उस भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका भी जन्म जयंती बर्थ एनिवर्सरी आज हम मना रहे हैं। अपने पार्टी में हम हर साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती को बूथ स्तर तक मनाने का एक कार्यक्रम लिया हुआ है। हालांकि समय कोविड की महामारी में हम है, तो मैं आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल है और आपके परिवार सब लोग सुरक्षित है, पर इस कोविड के कारण इस समय हम बड़े पैमाने पर उत्सव को हम मना नहीं पा रहे हैं। इस देश की एकता अखंडता जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है, उसके लिए समर्पित होकर काम करने वाला हमारा भारतीय जनता पार्टी है। आदर्श हमारे लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता है जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है इसके लिए। कार्यकर्ताओं से बात किया 2000 से 2005 से उनके ग्रेजिंग एरिया के ऊपर कब्जा हो गया, जानवरों को ले जाने का भी आज परिस्थिति नहीं है। चीन धीरे 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 2-3 किलोमीटर अंदर घुसकर आना, हमारे भूमि को कब्जा करना ये चेष्टा करती रही। हम क्या करते रहे, समझौता करते रहे, बातचीत करते रहे। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने हमारा नीति बदला है। हम बातचीत जरूर करेंगे, हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बातचीत के नाम पर भूमि दान करते जाएंगे। विनोबा भावे जो हुआ करते थे, भूदान यज्ञ करते थे, भूदान यज्ञ यानी बड़े जमींदारों से भूमि लेकर गरीबों को देते थे। हमारा उल्टा भूदान यज्ञ चलता था इंडिया में, क्या है, हमारे भूमि को चीन को दे देते थे। हम कभी चीन को दे दिया, कभी पाकिस्तान को दे दिया, कभी और देश को दे दिया। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भूदान यज्ञ अगर चलेगा भी तो जो असली भूदान है जिन्होंने हमसे कब्जा किया है वो भूमि हम वापस लेंगे। अभी देने की बात तो दूर, जो जो क्षेत्र हमारा था आज कोरोना के कब्जे में है वो हम वापस लेंगे। भाइयों बहनों, जब हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था तो एक स्टैट्यूट बनता है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनता है। जब नए राज्य या नए यूटी बनता हो तो आप सबको विदित होगा, अब जो हमारा लद्दाख की यूटी बनी है इसके अंदर हम अक्साई चिन को भी एक जिला के रूप में डाल दिया है। इसी पर हमारी सेना चीन के सामने डटकर मुकाबला करते हुए खड़ा है। आज हमारे भूमि के अंदर घुसने से उनको रोक रहे हैं हम,
चीन का जो ये आक्रमण वाला स्वभाव है उसके खिलाफ अब केवल समझौता मात्र नहीं करेंगे, जमीन पर भी डटकर हम खड़ा रहेंगे। ये नीति हमारे मोदी जी सरकार की नीति है। और